हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियोस। तो रिसेंटली मैंने केंट का ये वाला वाटर प्यूरीफायर खरीदा, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को भी वाटर प्यूरीफायर लेना हो तो उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं लिखी है, अगर लिखी होगी तो आप लोग पढ़ लेना। तो सबसे पहले इस तरफ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको पास ले जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके साइलेंट यानी कि मेन फीचर्स सब लिखे हुए हैं। ये UV और UF टेक्नोलॉजी पे बेस है, ये कोई भी RO वाटर प्योरीफायर नहीं है और इसे मैंने ख़रीदा है 6500 रुपये का। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आसानी से मिल जाएगा और मैं आपको इसकी बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके खरीद सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और भी फीचर्स डिटेल में लिखे हुए हैं और बॉक्स में जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज़ दिखने में आ रही है कि ये एक घंटे में 60 लीटर तक का पानी को प्योरीफाई कर सकता है, जो कि आपके घर के पानी के प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, ये RO की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पानी को प्योरीफाई कर सकता है और इसमें पानी की कोई भी वेस्टेज नहीं होने वाली है। और सबसे बढ़िया बात तो ये केंट कंपनी का है, इसमें तो कोई आपको कमी मिलने ही नहीं वाली। तो मैं बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इस झोले के अंदर वारंटी कार्ड है, पाइपलाइन है और मैनुअल्स हैं, और ये रहा हमारा प्योरीफायर। और निकल जा भाई, ये देखो। तो ये हमारा छोटा सा वाटर प्योरीफायर जो कि आता है 7 लीटर के टैंक के साथ। जी हाँ, यहाँ पे आपको 7 लीटर का वाटर स्टोरेज टैंक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 4 फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, सेडिमेंट फिल्टर, UF फिल्टर और UV चैम्बर और कार्बन फिल्टर। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज़ को खोल के रखा है, ये देखो इसका वो वाला स्विच जो कि पानी भर जाने पर ऑटोमेटिक फिल्टर को बंद कर देता है, वो इसलिए खोल के रखा है ताकि आप लोग इसके इंस्टॉलेशन के लिए सर्विस इंजीनियर को ही बुलाएं और उनसे ही फिटिंग करवाएं। तो कोई बात नहीं, मैंने सर्विस इंजीनियर को ही बुला के इसकी फिटिंग करवाई थी, क्योंकि इंस्टॉलेशन जो होता है वो एकदम फ्री होता है। नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके इंजीनियर को बुला सकते हैं। और इसका ये बटन भी, बटन टोटी बोल लो कुछ भी बोल लो, काफ़ी स्मूथ है, बिना किसी दिक्कत के आराम से काम कर लेता है। लेकिन इस पूरे फिल्टर के साथ हमें प्री सेडिमेंट फिल्टर नहीं मिलता है। अगर आपके घर में पहले से है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके घर में प्री सेडिमेंट फिल्टर नहीं है तो आपको 700 रुपये खर्च करके केंट के सर्विस इंजीनियर से उसे भी लगवाना पड़ेगा। तो ये फिल्टर पूरी तरीके से फिट हो चुका है और ये वर्किंग कंडीशन में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका UV लैम्प जल रहा है तभी यहाँ पे आपको इसकी रोशनी दिखाई पड़ रही है। तो मैं पानी निकाल के पी के बताता हूँ। तो ये रहा इसका पानी, तो मैं आपको बताता हूँ इसके आगे। तो दोस्तों, इसका पानी पूरी तरीके से स्वच्छ है और बैक्टीरिया रहित है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये RO नहीं है तो आपके पानी के स्वाद में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि RO के पानी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ के पानी का TDS 200 से 300 के बीच था, जो कि पीने के पानी के लिए बहुत सही TDS है, मतलब इसमें सारे मिनरल्स भी हैं, इतने कम भी नहीं है और ना ही इतने ज़्यादा हैं जिससे कि मुझे RO लगवाना पड़े। और RO जो होता है ना, पानी के TDS को 100 के नीचे ले आता है। कभी कभी लोग तो 15 और 25 और 20 TDS का पानी पीते हैं, जो कि मेरे हिसाब से स्वच्छ तो है लेकिन आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके सारे ज़रूरी मिनरल्स ही निकल गए, तो भाई पानी पीने का फ़ायदा ही क्या बचा। तो मुझे इतना स्वच्छ भी पानी नहीं पीना था कि भाई, जो कि शरीर को ही ना फायदा पहुंचाए, इसलिए मैंने RO की बजाय ये UV और UF फिल्टर वाला केंट का वाटर प्योरीफायर लिया। लेकिन एक बात और, अगर आप लोग इस फिल्टर से पानी को फिल्टर करते हैं और बिना फिल्टर किया हुआ पानी एक साथ पीते हैं तो आपको दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर नज़र आएगा। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई डिफरेंस क्या है, लेकिन डिफरेंस होता जरूर है, क्योंकि इसमें जो कार्बन फिल्टर होता है उसकी मदद से पानी में हल्की फुल्की जो गंध होती है वो निकल जाती है, तो पानी पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक UV और UF टेक्नोलॉजी पर बेस वाटर प्योरीफायर, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर बात करी जाए रेटिंग की तो मैं इसे दूंगा 10 में से 7.5 की रेटिंग, क्योंकि इन लोगों ने साथ में प्री सेडिमेंट फिल्टर नहीं दिया, इन लोगों को देना चाहिए था।
तो अगर आपका इस फिल्टर के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलना। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना।